हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट ऑल ओवर इंडिया का कोई भी कैंडिडेट बन सकता है। ये अपॉर्चुनिटी हमारे कर्नाटका बैंक लिमिटेड में निकाली गई है। कर्नाटका बैंक एक लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसका पैन इंडिया ब्रांचेस है। कर्नाटका बैंक ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑन 28th of November 2023 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया था रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर लॉ ऑफिसर। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहूंगा। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर वो चाहता है हमारे इंडिया में हमारी लीगल पर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे वो आपकी जुडिशरी की वैकेंसी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, या फिर PSU यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इम्पैनलमेंट की वैकेंसी हो। इट मींस ऑल ओवर इंडिया में कोई भी हमारे लीगल पर्टिनिटी के रिगार्डिंग वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट मिल जाएंगी, ताकि आप लोग टाइमली ही इन रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का पार्ट बन पाए और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। कर्नाटका बैंक लिमिटेड हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है वो हमें लॉ ऑफिसर स्केल 1 की कर रहा है। इसमें हमारे लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है उसमें एडुकेशनल क्वालिफिकेशन में बोला गया है कि अगर आपके पास LLB की डिग्री या फिर LLM की डिग्री है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 50% एंड अबव आपने अपनी डिग्री में स्कोर करा है, तो आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। इररिस्पेक्टिव आपने अपनी LLB 3 ईयर की करी है या फिर 5 ईयर की BA LLB की इंटीग्रेटेड डिग्री करी है। अगर आप एक LLB ग्रेजुएट है या LLM ग्रेजुएट है और आपने 50% एंड अबव स्कोर करा है, तो आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम एज क्राइटेरिया के ऊपर। एज क्राइटेरिया में इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपकी एज एज पर ऑन 1st November 2023 30 इयर्स कंप्लीट नहीं करती है, तो आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। यानी अगर आप बिलो 30 इयर्स हैं तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं, और आपको अपनी एज कैलकुलेट करनी है 1st of November 2023 के अकॉर्डिंग। एप्लीकेशन फी में इन्होंने बोला है कि आपके लिए जो एप्लीकेशन फी है वो ₹600 प्लस GST रखी गई है। अब बात कर लेते हैं हम एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपको मिनिमम 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट लिटिगेशन में, तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपकी जो प्रैक्टिस हो वो चाहे आपकी किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो, हाई कोर्ट में हो, सुप्रीम कोर्ट में हो या ट्राइब्यूनल में हो, अगर आप एज अ एडवोकेट प्रैक्टिस करते हैं तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपके पास गुड नॉलेज होनी चाहिए सिविल लॉ की, क्रिमिनल लॉ की, साइबर लॉ की, IBC की लॉ की, कंपनी लॉ की और बैंकिंग लॉ की। तो ये सारा आपके एक्सपीरियंस में बोला गया है। अब बात कर लेते हैं रेमुनरेशन यानी सैलरी के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि जो आपकी इन हैंड सैलरी होगी वो आपकी ₹63,000 होगी। यानी आपको जो हर महीने आपके बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे वो मिनिमम 63,000 आएंगे। साथ ही साथ इसके आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी प्रोवाइड करे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं जॉब लोकेशन की। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपकी जॉब लोकेशन पैन इंडिया रखी गई है, यानी ऑल ओवर इंडिया में जहां पे कर्नाटका बैंक की ब्रांच होगी वहां पे लोकेट किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं हम इसमें जॉब रोल के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आप कर्नाटका बैंक में एज अ लॉ ऑफिसर होंगे और आप लीगल और रिकवरी के मैटर आप हैंडल करेंगे। अब बात कर लेते हैं हम इसमें कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट कैसे बनना है। ये पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको पहला लिंक अवेलेबल है, आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आपके स्क्रीन पे ये पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपने स्क्रीन पे ही स्क्रॉल डाउन करके पढ़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको सेकेंड लिंक अवेलेबल है, आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली कर्नाटका बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, जहां पे आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको इस फॉर्म को फिलअप करने में किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। मैं मेक श्योर करूंगा कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं।
ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप करके अपनी प्रिपरेशन शुरू कर पाए। आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने फॉर्म को बिफोर 15th of December 2023 भर दें, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। आपको बिफोर 15th of December अपना रजिस्ट्रेशन प्लस फी पेमेंट कर देनी है, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपका सीबीटी का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका एक कंडक्ट कराएगा कर्नाटका बैंक, और जो भी बच्चा उसे क्वालिफाई करेगा उसका एक इंटरव्यू कंडक्ट कराएगा कर्नाटका बैंक। बाकी अब बात कर लेते हैं आपके पेपर के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपके लॉ की फील्ड के रिगार्डिंग जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे वो आपके 50 नंबर के आएंगे और 50 ही क्वेश्चन होंगे, यानी पर क्वेश्चन आपका एक नंबर होगा। फिर इन्होंने बोला है कि आपके जनरल अवेयरनेस के ऊपर क्वेश्चन आएंगे जो कि आपके बैंकिंग और करंट अफेयर्स के रिलेटेड होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 आएंगे जो कि आपके 20 नंबर के ही होंगे। इसके बाद आपके इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन आएंगे जो कि आपके 10 नंबर का होगा और 10 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद आपके लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। इसके बाद आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। टोटल आपका ये एग्जाम 100 नंबर का होगा और इसमें 100 क्वेश्चंस आपको फेस करने पड़ेंगे, और ये आपका पूरा एग्जाम 75 मिनट्स का होगा, और ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे आपको, और ये सिर्फ आपके इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे। साथ ही साथ इन्होंने बोला है जो भी कैंडिडेट रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करेगा और इंटरव्यू के लिए उसको कॉल लेटर आएगा, उसको कोई भी रीइंबर्समेंट और अलाउंसेस प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा इंटरव्यू के वेन्यू में आने तक का। ये सारे एक्सपेंसेस आपको खुद से बेयर करने पड़ेंगे। तो ये सारी आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो इस पूरे एडवर्टाइजमेंट में हमें प्रोवाइड करी गई थी। इनकेस अगर आपको किसी भी तरीके की कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, या आप लोग यूट्यूब के कॉमेंट बॉक्स में ही कॉमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं मेक श्योर करूंगा हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे मेक श्योर करिएगा कि आप इसे लाइक शेयर करें बिना ना जाए। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक लीगल अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको टाइमली अपडेट मिलती रहे तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करें ना जाए। थैंक यू सो मच।